तो यहाँ पे अपन को प्रॉब्लम में बोल रखा है नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन इन द एक्सपेंशन। सो यहाँ पर अपन को इस चीज का एक्सपेंशन करना है और उसमें कितनी जो टर्म्स है जो कि रेडिकल साइन से फ्री होगी वो अपन को बताना है। यानी इंटीजर पावर आनी चाहिए, कहने का मतलब जैसे ऐसा नहीं आना चाहिए कि 3 की पावर कुछ 1/2 या 5/7 एज समथिंग लाइक दैट। नहीं, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 इंटीजर टाइप का आना चाहिए, या मतलब पूरा इंटीजर होना चाहिए वो। तो अभी मैं तुम्हें करके बताऊंगा, तुम्हें समझ में आएगा। तो यहाँ पर इसको एक्सपेंड करने के लिए अपन क्या करेंगे कि इसको पूरा एक टर्म मान लेते हैं और इसको कुछ अलग टर्म मान लेते हैं। तो ये बेसिकली इसको तुम a+b की पावर n इस तरीके से यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पर a तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर 1+3 की पावर 1/3 एंड b यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 7 की पावर 1/7 इस तरीके से हो जाएगा। एंड यहाँ पे तुम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हो। तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन जो अभी है a+b की पावर 10 का किस तरीके से आएगा, 10 CR, अगर जनरल टर्म लिखे तो 10 CR यहाँ पर 1+3 रेज़ टू पावर 1/3 की पावर 10 - R एंड 7 की पावर 1/7 और उसकी होल पावर R इस तरीके से आएगी अपने पास टर्म, सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो अब अपन को यहाँ पर टर्म्स बतानी है। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये अपन ने इस पूरे को एक टर्म मान के इसको एक्सपेंड करा, इस पूरे को एक टर्म मान के यहाँ पर अपन ने एक्सपेंड करा, तो अपने पास बाइनोमियल लगाने पर ये जनरल टर्म आई। अब इसमें अगर तुम देखोगे तो ये मतलब फ्रैक्शन में कब नहीं आएगा, जब आर की वैल्यू यहाँ पर बेसिकली 0, 1, 2, 3 अप टू यहाँ पर 10 जाएगी इस तरीके से जाएगी। तो इसमें सिर्फ अपने पास जब आर की वैल्यू 0 एंड 7 होगी तभी यहाँ पर ये मतलब रेडिकल साइन नहीं आएगा इसमें। यानी ये 7 की पावर 0 होगा या 7 की पावर 1 हो जाएगा जब आर की वैल्यू 7 होगी। तो ये दो ही पॉसिबिलिटीज है। अब इन दो पॉसिबिलिटीज के लिए यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा अपने पास 10 C 0 1+3 की पावर 1/3 की ये होल पावर यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे 7 की पावर 0 हो जाएगा। और एक अपने पास इस तरीके से बनेगा 10 C 7 1+3 की पावर 1/3 एंड यहाँ पर जब 7 पुट करेंगे तो यहाँ पे पावर 3 आ जाएगी एंड यहाँ 7 की पावर 1 हो जाएगी। अब इसमें से तो अपन ने अब इसका तो काम कर लिया 7 की पावर वाला, लेकिन अब ये वाली चीज है इसमें, अब इसमें कितनी टर्म रेडिकल से फ्री होगी वो अपन को देखना है, ताकि जब उसको अपन इससे मल्टीप्लाई करें तो वो अपनी एक टर्म बनेगी और वो फिर मतलब वो टर्म कंसिडर होगी जो फ्री होगी रेडिकल पूरे वाले में। तो जैसे इसमें अगर तुम देखोगे तो अब इसका भी अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकता है, वही 10 CR एंड ये 3 की पावर 1/3 की होल पावर आर इस तरीके से आ जाएगा। और आर की वैल्यू अगर तुम यहाँ पर 0, 3, 6 या 9 पुट करोगे, इन चारों में से कुछ भी पुट करोगे, तो यहाँ पर ये जो पावर है ये r/3 जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो इंटीजर आएगी कुछ, तो ये रेडिकल से फ्री हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर अपन को 4 टर्म मिलेगी, यहाँ से अपन को 4 टर्म मिली जो कि रेडिकल से फ्री होगी। और वैसे ही अगर तुम इसमें भी बाइनोमियल अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 CR एंड 3 की पावर 1/3 की होल पावर r। और यहाँ पर r की वैल्यू बेसिकली इस वाले केस में तो यहाँ पर 0 से लेके 10 तक थी, लेकिन इस वाले केस में यहाँ पर 0 to 3 ही है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है अपने पास, आर की वैल्यू या तो 0 हो जाए या 3 हो जाए तभी फ्री फ्रॉम रेडिकल होगा। तो टोटल देखे तो 4 टर्म अपन को यहाँ से मिली, 2 टर्म यहाँ से मिली, तो टोटल 6 टर्म होगी जो कि रेडिकल साइन से फ्री होगी। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।